बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ मलका मसूर की दाल, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक गिलास पानी ले लिया है। तीन दरमियाने जो है मैंने यहाँ पे टमाटर काट लिए हैं। तीन दरमियाने प्याज मैंने यहाँ पे ले लिया है। दो भर के जो है वो खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 7 से 8 अदद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। और यहाँ पे 1 पाव जो है वो मैंने दाल ले ली है। इसको आधा घंटे पहले जो है मैंने इसको भिगा लिया था। यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है 1 चाय का चमचा, पिसे हुए लाल मिर्च ले ली है 1 खाने का चमचा, नमक ले लिया है 1 खाने का चमचा। तो चले अब मैं इसको डालती हूँ। हमें जो है दाल डाल देंगे, प्याज शामिल कर देंगे, आधी प्याज अभी हम डालेंगे और आधी जो है हम बघार के लिए रख लेंगे। डाल देंगे, नमक भी डाल दूंगी और लाल मिर्च और हल्दी भी शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और अब टमाटर भी शामिल कर देंगे। पानी भी 1 गिलास जो हमने बताया था वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद 10 मिनट के लिए हम यहाँ पे प्रेशर लगा देंगे। क्या है, अब हमने प्रेशर जो है खोल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है दाल का पानी जो हमने ऐड किया था वो सूख चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए अब हम जो है इसको चमचे की मदद से जो है इसको घोट लेंगे दाल को। ये देखिए जिस तरह से मैं घोट रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हम सारी दाल को अच्छे से घोट लेंगे। अब दाल को रखते हैं। हाँ तो हम मैं इसलिए जो है चमचे की मदद से घोट रही हूँ, अगर आप चाहें तो दाल घोटने की मदद से भी इसको घोट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं कर लूँगी, बघार लगा लेंगे। बघार लगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पर जो है मैंने 1 चाय का चमचा जीरा ले लिया है। जो हमने प्याज बचाई हुई थी ये वो प्याज ले ली है। यहाँ पर जो है 5 अदद साबित लाल गोल मिर्च ले ली है। घोटना था मैंने इसको, यहाँ पे देखें इस तरह से घोट लिया है। और अब जो है हम इसमें अपने जितना आपको अपने हिसाब से गाढ़ा रखना है और रखना है, हम उसके हिसाब से जो है यहाँ पर वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 गिलास के करीब जो है पानी ऐड कर दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मुझे बस इतना ही जो है पतला या गाढ़ा जितना भी आपको चाहे आप उतना रख लें। जो पानी ऐड किया है वो जो है ये अभी चूल्हा जो है हमारा दरमियाना है, तो हम इसको अभी पका रहे हैं। इस पानी को भी हम हल्की आंच पे ही जो है वो हम पका लेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर बघार लगाऊंगी। ऑयल आ चुका है और पानी भी हमारा पक चुका है। अब हम इसमें जो है वो कुछ कटी हुई जो है अदरक है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और ये हरा धनिया है वो भी शामिल कर दूंगी। इसको जो है चूल्हा ऑफ कर दूंगी, जो है ऑफ कर दूंगी चूल्हे को और फिर बघार लगाऊंगी। अब जो है हम इसमें तेल शामिल कर देंगे, 4 से 5 खाने के चमचे। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, हम इसमें जीरा शामिल कर देंगे, लाल मिर्च शामिल कर देंगे, भुनाई करेंगे इसकी, कर लेंगे अच्छे से। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको दाल में शामिल कर देंगे। देखिए हमने इसमें शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ रही है क्योंकि हमने इसमें बघार लगाया है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया है और अगर आप चाहें तो इसको चावल के साथ भी ले सकते हैं। हमारी फैमिली जो है वो चावलों से वो खाना पसंद करती है। अगर आप चाहें तो रोटी से भी खा सकते हैं।
तो आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।